आचार्यों का भाग्य फूट गया, अंधभक्त का ढोंग देश में ब्राह्मण ने फैलाया है। थे राजपूत सब खड़े हुए जब सोमनाथ लुटवाया है। ब्राह्मण कहते राजाओं से मत अस्त्र शस्त्र निर्माण करो और रक्षक तो भोले शंकर बस उनका मन में ध्यान करो। फिर हर राजा के लिए पूजने को एक मंदिर बना दिया और धन दौलत चढ़ा चढ़ावों में पंडित जी ने उड़ा लिया। कोई राजा भैरव पूजक था, कोई भक्त भवानी का, कोई था काली का सेवक, कोई था शिव वरदानी का। इस धोखे में पड़ राजा सब राज्य पाठ सब हार गए और देश मेरा बर्बाद हुआ। पंडित जनमाल डकार गए, इनकी झूठी बातों पर धोखे पर धोखा खाया है। जब से लोगों ने भारत में हिंदू धर्म चलाया है, करते थे बूढ़े ब्याह यहाँ भोली भाली कन्याओं से और विधवा जब आश्रयहीन हुई तो देश भरा विषयाओं से। हर राजा को मूर्ख बनाया अपने छल से पंडित ने, लुटवाया धन धर्म सभी दुश्मन के दल से पंडित ने। बड़ी बड़ी जागीरें लेकर मुगलों का सम्मान किया और जनता से कहा वही होता जो करता है भगवान किया। अब राजपाट का ध्यान छोड़कर सब ईश्वर का ध्यान करो। इस दो दिन के जीवन में जीवन का कल्याण करो, ईश्वर की भक्ति कर लो, सदा साधु सन्यासी बन जाओ, धारण कर लो गिरवे वस्त्र, शहरों से बन पहुंच जाओ। एक रोज हुमायूं ने अपनी भिस्ती के सिर पर ताज दिया और मुस्लिम गुलाम की बेटी रजिया बेगम ने राज किया। कर लिया ब्राह्मणों को बस में अकबर ने अपनी, फिर बहन बेटियां धन के वालों से। दिल्ली में बाजार औरतों का इसने लगवाया था, हर सुंदर लड़की राजपूत की छीन वहां मंगवाया था। जब जहांगीर ने राज किया पीकर मद्रायासी में, अब स्वतंत्रता का मूल्य नहीं था अपने भारतवासी में। कि नारी नारियों को उन हरमों में पहुंचाया है जब से लोगों ने भारत में हिंदू धर्म चलाया है। जब शाहजहां निस्त्रिय प्रेम में ताजमहल बनवाता था तब हिंदू पुत्रियों पर जुल्म हजारों ढा, अपने भाई का वध कर औरंगजेब यहाँ का शाह हुआ। एक बड़ा शिवाजी लड़ने को तो किसने हाथ बढ़ाया था। मशहूर हुआ अय्यासी में दिल्ली का मोहम्मद शाह हुआ। 2000 औरतें हरम में वाजिद अली शाह तारकता। ये हाल देश का पंडित जी ने तुमको कभी बताया है जब से लोगों ने भारत में हिंदू धर्म चलाया है। जब पिता हमारे पिंड दान करने को चले गए हम बोले पहले घर बनवा लो, सुनते ही तेवर बोले बोले खूब कमाया है, पहले पुरखों को तारेंगे, वे राह स्वर्ग की देख रहे उनका न भूखों मारेंगे। जिंदों को खिला न पाया जो मुर्दे को कौन खिलाएगा, जो खून पसीने का पासा तीर्थ में जाए लुटाएगा। अब गृह कटों से और रेंडियों से मशहूर हुई काशी, धन धर्म सभी ठग लेते हैं से पंडा सत्यानाशी। पीते हैं चरसे और गांजा फिर भी साधु कहलाते हैं और 10 बजे रत छैला बनकर रेंडी के कोठे जाते हैं। बीमारी कोई फैली पंडित जुट गए कमाई में, बोले तुम सब ने पाप किया ये कहा काली माई ने। इनका पूजन करना होगा, सब लोग इकट्ठा माल करो, घी दूध मेवा मिठान ला करके आटा दाल धरो। माल गरीबों का डकार गए, मर गए कालरा में लाखों सब पूंज पूंज के हार गए। मिर्गी आई पंडित कहता गया बैताल सताता है, यदि सन्निपात का रोगी है तो ब्रह्म राक्षस आता है। इस धोखे में कर जनता को अच्छा मूर्ख बनाया है जब से लोगों ने भारत में हिंदू धर्म चलाया है। कुछ गढ़कर मिट्टी की मूर्त लोगों से इसे पुजाते हैं, बस रक्षक ही तुम्हारे ऐसा विश्वास दिलाते हैं। जब मुस्लिम जनता अपने घर में कुछ ना कुछ चीज बनाते हैं, बिस्कुट कंपट या चॉकलेट हिंदू के बालक खाते हैं। जब भारतवासी मेहनत से मेवा घट जाते हैं तो सतचंडी का महायज्ञ पंडित लोग रचाते हैं। कहकर दासी कृष्ण कन्हैया बेशिया नचवाते हैं, भोग बताकर भैरव जी का मदिरा मांस उड़ाते हैं। इतना मेवा मिठान चढ़ा किस मूर्त ने कब खाया है जब से लोगों ने भारत में हिंदू धर्म चलाया है। ग्वाले से ले लो दूध अगर तो मक्खन नहीं निकलता है, बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई में मक्के का आटा मिलता है। हर नेता दगाबाज निकल चुपड़ी भाते मिल गया वोट तो नोट बनाकर बैठ गया घर भर के। पंडित खो बैठे वेद ज्ञान, छत्री तो डांके मार रहे, दो दमड़ी के बनिया जनता की चमड़ी आज उतार रहे। दुनिया के सभी धर्म होते जनता को सुखी बनाने को, पर हिंदू धर्म चला रहे का नाम निशा मिटाने को। ये लिखी गई थी मुगलों के लगते रहते दरबार जहाँ, 200 विश्वास सहित पुस्तकें पंडित जी ने पाई यहाँ। फिर मन गढ़ंत कथा बना पंडित जी ने प्रचार किया, असला उद्देश्य मिटाने को महिषासुर का उतार दिया। मानो ने पत्थर पूंजा, मानो मानो को कब जान सका, यद्यपि इसकी छाया से पारूप रंग भगवान सका। मानो सोता फुटपाथों पर भगवान भवन के झूलों में, मानो सुत पत्तल चाट रहा नबाय दूधर थाली भर भर। जा रही हजारों की लाशें बिन कफन के मुर्दा खानों में, श्रृंगार नहीं पूरा होता इनका रेशम के थानों में। सोने चांदी के ढेरों पर जिसने भगवान बनाए हैं, मानो मानो का खून चूस कंकाल समान बनाए हैं। पत्थर नहलाए जाते हैं दुर्भाग्य दूध घी के जल से, एक भिकमंगन का बच्चा धुबून पीपा विकल से। इन पंडो और पाखंडों की मानवद ठेकेदारी है, तो सुनो आज कवि कहता है डाइन और हत्यारी है। इंसान उठो पत्थर फेंको, इंसान उठो पत्थर फेंको, मानव का पूंजन होगा, मानव मानव के ऊपर निर्माण विधान नहीं होगा। इंसान नहीं होगा नालों में, मठ में पाषाण नहीं होगा, इन धर्म के ठेकेदारों का सौदा नीलाम नहीं होगा। मेरी आवाज पुकारेगी हर मानव मानव के कानों में, हम बढ़कर आग लगा देंगे इन पत्थर के भगवानों में। इस धरती पर स्वर्ग उतारेंगे कुछ चंद इशारों में और देखेंगे कितना बल है इन इंकलाब के नारों में। भीख मांगते थे
भिखमंगे भीख मांगते थे पर आज बने चिकने चंदन, चमचावादी के इस युग में संघर्ष तुम्हारा अभिनंदन। दुष्टों के साथ दुष्ट बनकर कुदरत का काम निभाना है, जो बात दो गलेपन की है उनको भी सबक सिखाना है। बेधर्मी बनते धर्मराज कलयुग कलयुग चिल्लाते हैं, मादक सामग्री सेवन कर बेसिया को गले लगाते हैं। बेशर्मी सदा सीख करके गद्दारी छोड़ नहीं सकते, मनवादिया के क्या देश की रक्षा कर सकते। ईर्ष्याले दुष्ट निकम्मों की कलई अब हमें खोलनी है, जंगी शमशीर हाथ लेते निस्ताकत हमें तौलनी है। जबरा घमंड की राजनीति अब सहन न कोई कर सकता, शोषित समाज का युवा वर्ग पीछे कैसे रह सकता।